कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। तो चलिए देखिए, आज हम एक मल्टीकलर निटिंग डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए आपने 3 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, 3 + 3 + 3 + 2 करने हैं। बॉर्डर बनाने के बाद आपने एक स्लाइस सीधे साइड से बेस कलर से ही बुन लेनी है और रोंग साइड से आपने सेकेंड कलर जोड़ना है। तो सेकेंड कलर रोंग साइड से जोड़ने के बाद आपने सारे फंदे उल्टा उल्टा बुनकर फर्स्ट रो को कम्प्लीट करना है। बहुत आसान डिज़ाइन है, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हो, मतलब जेंट्स का छोड़कर लेडीज़ कार्डिगन पर, गर्ल्स के लिए अगर कुछ बनाना चाहते हो, छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहते हो तो आप उसके ऊपर डाल सकते हो। फर्स्ट रो पर्ल आल स्टिचेस, फर्स्ट रो रोंग साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए राइट साइड। तो राइट साइड में क्या करना है, सारे फंदे आपने सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। सेकेंड रो राइट साइड निटाल स्टिचेस, देखिए आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी आगे आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप नए नए डिज़ाइन बनाना सीख पाएंगे फिर। और ये हमारी दो सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हमने तीसरी सिलाई जो बुननी है वो रोंग साइड से सारे फंदे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। इस सिलाई को आप थोड़ा सा लूज बुनिए। ये देखिए तीन सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब फिर से हम राइट साइड पर आ जाएंगे। राइट साइड पर क्या करना है, ध्यान से देखिए, बस इस एक सिलाई पर आपका डिज़ाइन बनेगा। पहला फंदा उतार लीजिए चाहे बुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दो फंदे जो हैं इन्हें आपने ऐसे निडल के ऊपर लेना है, ऐसे, ठीक है। ऐसे लेने के बाद आपने फिर से इस निडल के ऊपर लेना है। हमारे फंदे ये पलट गए हैं। अब ये साथ वाला जो फंदा है इसके साथ मिलाकर तीन फंदों का अब हमने एक फंदा बनाना है। ऐसे धागा अपनी तरफ ले आएंगे, वापस से इन तीन फंदों का हमने एक फंदा बनाना है, मतलब तीन फंदों के हमने तीन फंदे बनाने हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट फिर से ध्यान से देखिए, ये दो फंदे हमने लिए निडल के ऊपर, ऐसे वापस से हमने पलट कर इन फंदों को साथ में मिला ले लेना इस निडल के ऊपर, और साथ में ये वाला फंदा जो है इसे मिलाकर आपने तीन फंदों का एक बना लेना है। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे वापस से, तो ये दो फंदे बन जाएंगे। अपनी तरफ धागा लाने के बाद दोबारा से बुनेंगे, ये तीन फंदे वापस से बन जाएंगे। नेक्स्ट फिर से देखिए ध्यान से, दो फंदे हैं, इस फंदे को आपने छोड़ देना है। इस फंदे के अंदर से आपने ऐसे निडल डालकर दोनों फंदों को लेना है इस निडल के ऊपर। थोड़ा सा अगर टाइट लग रहा है तो इन फंदों को आप लूज़ कर लीजिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप इसे निडल के ऊपर लीजिए और ऐसे चढ़ा लीजिए, और साथ वाले फंदे के साथ मिलाकर तीन फंदे हो गए। तीन फंदों को एक साथ बुना, धागा अपनी तरफ लेकर आए, तीन फंदों को फिर से बुनना है। तीन फंदे बन जाएंगे वापस से, ये देखिए ये तीन फंदे हमने बुने। एक फंदा निकाला, धागा अपनी तरफ लेकर आए, फिर से इन तीन फंदों को बुना, धागा फिर से हम अपनी तरफ ले आए, तीन फंदे हमारे वापस से बन गए। फिर से देखिए ध्यान से, ये हमने लिया निडल के ऊपर ऐसे, फिर से इसके ऊपर चढ़ाया ऐसे, साथ वाले फंदे के साथ मिलाकर तीन फंदे हो गए। अब ये अब हमने तीनों को एक साथ बुनना है ऐसे, ठीक है। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, वापस इन तीन फंदों को बुन देंगे। तीन फंदे वापस से हो गए हमारे यहाँ पर, और लास्ट का जो फंदा है ये हमने सीधा बुन देना। देखिए इतना सा ही ये डिज़ाइन है। इन्हीं चार सिलाइयों को आपने कंप्लीट करते जाना, बुनते जाना है, आप आगे आगे रिपीट करते जाना है, तो आपका डिज़ाइन ये कम्प्लीट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सेकेंड कलर हमने जोड़ लिया है, अब हमने फिर से बेस कलर, अगर आप मल्टी कलर से बनाओगे तो देखिए ये आप फिर बेस कलर लगाओगे, अगर आप और कलर जैसे तीन या चार कलर डालोगे फिर भी आपने ये फर्स्ट कलर को फिर से लगाना है। और फर्स्ट कलर को लगाने के बाद आपने सारे फंदे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करने हैं। अब इस सिलाई उल्टी बुनने के बाद इसी बेस कलर से आपने एक सिलाई सीधी बुननी है सीधी तरफ से, फिर उल्टी बुननी है उल्टी तरफ से, फिर चौथी सिलाई सीधे तरफ से। आपने जैसे मैंने आपको जो फंदे पलटा कर डिज़ाइन बनाना बताया है तो आपने वो डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद अगर आप
सेकंड कलर जोड़ना, थर्ड कलर जोड़ना चाहते हो इस डिज़ाइन के बाद, तो अब थर्ड कलर जोड़ लीजिए और इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये कम फंदों पे आपको इतना डिज़ाइन ये नज़र नहीं आ रहा है, मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा फंदों पे बनाया था, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए डिज़ाइन, अगर आप मल्टी कलर में बनाओगे बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। चाहे कलर कितने भी लगाइए, बेस कलर आप बीच बीच में डालते जाइए, फिर अपना नेक्स्ट कलर लगाइए। जैसे मैंने ये बॉर्डर बुना, फर्स्ट कलर लाइट कलर लगाइए, फिर डार्क कलर से डिज़ाइन बनाइए, फिर से आप बेस कलर से बुनिए, फिर डार्क कलर लगाइए, फिर बेस कलर से जो लाइट कलर है इससे बुनिए, फिर डार्क लगाइए, और अगर आपको कलर चेंज करने हैं तो चेंज कर लीजिए आप। तो डिज़ाइन यही चार सिलाइयाँ आपको रिपीट करते जाना है। तीन सिलाइयाँ तो सिंपल ही हैं, उल्टी सीधी उल्टी, उसके बाद चौथी सिलाई पर यह डिज़ाइन डलेगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें ध्यान से, तो आपको ये डिज़ाइन समझ आएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।